What's up guys, Aishman this side and welcome back to my YouTube channel. So, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Zerodha versus Angel Broking की एंड जानेंगे कि इन दोनों में से बेटर आप कौन सा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एंड आपको कौन सा बेटर सूट करेगा. एंड ये कंपैरिजन वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक और Zerodha इंडिया का लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकरेज है, एक फुल फ्लेज डिस्काउंट ब्रोकरेज है, बट ऑन दी अदर हैंड Angel Broking एक 22 ईयर्स पुराना फुल सर्विस ब्रोकरेज है. इनफैक्ट एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, अभी एक साल पहले इसका IPO आया था एंड Angel Broking ने रिसेंटली अपने सर्विसेज डिस्काउंट ब्रोकरेज वाले रेट्स पे प्रोवाइड करने शुरू किए. तो इनके सर्विसेज सॉर्ट ऑफ फुल सर्विस ब्रोकरेज वाले बट रेट्स डिस्काउंट ब्रोकरेज वाले, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो. सो ब्रोकरेजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज एंड फुल सर्विस ब्रोकरेज. एंड डिस्काउंट ब्रोकरेज बेसिकली अपने सर्विसेज अपने कस्टमर्स को एक चीपर रेट पे प्रोवाइड करते हैं, बट देन एट द सेम टाइम इनका जो कस्टमर केयर होता है, सपोर्ट होता है या फिर जो रिसर्च टीम होती है वो फुल सर्विस ब्रोकरेज इतनी अच्छी नहीं होती. बट ऑन दी अदर हैंड फुल सर्विस ब्रोकरेज अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हैं, प्रॉपर रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, सॉर्ट ऑफ स्टॉक एनालिसिस या टिप्स प्रोवाइड करते हैं, बट इनके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं. एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, Zerodha एक फुल फ्लेज डिस्काउंट ब्रोकरेज है, जबकि ऑन दी अदर हैंड Angel Broking एक सॉर्ट ऑफ फ्यूजन है फुल सर्विस ब्रोकरेज का एंड डिस्काउंट ब्रोकरेज का. एंड इसका क्या मतलब है वो अभी हम वीडियो में देखेंगे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इन दोनों ऐप्स के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, Zerodha आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए ₹200 चार्ज करता है एंड इसकी एनुअल मेंटेनेंस के लिए आपको ₹0 चार्ज करता है, जबकि ऑन दी अदर हैंड Angel Broking आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन करके देता है एंड उसके एनुअल मेंटेनेंस के लिए भी कोई चार्ज नहीं है. एंड अगर हम डीमैट अकाउंट की बात करें तो ये दोनों ही ऐप्स आपको आपका डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करके देते हैं, बट Zerodha आपको आपके डीमैट अकाउंट की एनुअल मेंटेनेंस के लिए 300 प्लस टैक्स चार्ज करता है, जबकि Angel Broking आपको फर्स्ट ईयर में कोई चार्ज नहीं करता एनुअल मेंटेनेंस के लिए, बट पहले साल के बाद ही आपको ₹20 पर मंथ प्लस टैक्स चार्ज करता है, जो कि आपका ₹240 पर ईयर प्लस टैक्स बन के आ जाता है. तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, Angel Broking आपको Zerodha से कम रुपए चार्ज करते हैं अकाउंट ओपनिंग या मेंटेनेंस के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको Angel Broking ही यूज करना चाहिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है, जिनकी अब हम बात करेंगे. एंड यहां पे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा 2021 एंड से पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने का टारगेट है एंड मैं हर हफ्ते ही ऐसे स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसी, पर्सनल फाइनेंस, इन टॉपिक्स पे वीडियो डालता रहता हूं. तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है एंड अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आप इन दोनों ही ऐप्स पे स्टॉक्स खरीदते या बेचते हैं तो ये दोनों ऐप्स आपको कितना चार्ज करती है. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही ऐप्स आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए ₹0 चार्ज करते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता. सो इक्विटी डिलीवरी का बेसिकली मतलब है, अगर आप आज कोई स्टॉक खरीदते हैं बट उसको आज ना बेचो, आज के बाद कभी भी बेच दो बट आज ना बेचो, तो उसको इक्विटी डिलीवरी कहते हैं एंड ये दोनों ही ऐप आपको ₹0 चार्ज करते हैं इक्विटी डिलीवरी के लिए. बट अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, इंट्राडे का मतलब है अगर आपने आज ही स्टॉक खरीदा एंड उसको आज ही बेच दिया तो इसको इंट्राडे कहते हैं. एंड Zerodha आपको ₹20 या 0.03% जो भी ज्यादा छोटा अमाउंट होगा वो चार्ज करेगा इंट्राडे के लिए, जबकि Angel Broking आपको ₹20 या 0.25% जो भी ज्यादा छोटा अमाउंट होगा वो चार्ज करेगा. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, Angel Broking एंड Zerodha दोनों ही आपको इक्विटी डिलीवरी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो Zerodha आपको बेटर रेट्स प्रोवाइड करता है एंड अगर आपका इंट्राडे अमाउंट अप टू 67,000 रुपीज है तो Zerodha आपको कम चार्ज करेगा, बट अगर 67,000 से ज्यादा है तो दोनों ही ऐप्स आपको फ्लैट ₹20 चार्ज करेंगे. एंड अब आगे बढ़ के बात करते हैं दोनों ऐप्स के ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम के बारे में. तो Angel Broking का जो ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम है वो 3:15 PM है, जबकि Zerodha का 3:20 PM है. तो आप देख सकते हैं यहाँ भी Zerodha आपको 5 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम देता है अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करने के लिए. एंड आप में से जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ के बारे में नहीं पता, आपको ये चीज़ जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं एंड आप एक बिगनर है तो मेरी ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एज अ बिगनर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए. सो फाइनली नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ऐप्स के रिसर्च एंड स्टॉक रिकमेंडेशंस के बारे में. Zerodha क्योंकि एक फुल फ्लेज डिस्काउंट ब्रोकरेज ही है, इसीलिए आपको कोई भी रिकमेंडेशंस या स्टॉक एनालिसिस या रिसर्च प्रोवाइड नहीं करता है,
बट ऑन दी अदर हैंड क्योंकि एंजल ब्रोकिंग एक फ्यूजन है फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकरेज का, एंड फुल सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको रिसर्च रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस प्रोवाइड करते रहते हैं। इसीलिए एंजल ब्रोकिंग पे भी आपको ये सारा रिसर्च एंड स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलती रहती है, एंड ये रिकमेंडेशंस आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी मिलती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी मिलती है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के नाम मिलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बताते हैं आपको। तो अगर आप एक बिगनर है स्टॉक मार्केट में एंड आपको ये हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो एंजल ब्रोकिंग वो सब आपको प्रोवाइड करेगा। सो फाइनली नाउ कमिंग बैक टू द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, एंजल ब्रोकिंग या ज़ेरोधा, आपको इन दोनों में से कौन सा ऐप यूज करना चाहिए? वेल, मेरे हिसाब से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग तो पक्का करनी ही करनी है, तो फिर ज़ेरोधा आपको बेटर सूट करेगा क्योंकि ये आपको इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से बेटर सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, एंड एट द सेम टाइम इनके जो चार्जेस है जो प्राइसेस है इंट्राडे के लिए वो भी कम है एंजल ब्रोकिंग के मुकाबले। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप एक बिगनर है तो आप चाहते हैं कि आपको थोड़े से स्टॉक रिकमेंडेशंस या रिसर्च मिलती रहे एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो मेरे हिसाब से एंजल ब्रोकिंग आपको बेटर सूट करेगा क्योंकि इक्विटी डिलीवरी में दोनों ऐप्स आपको सेम चार्ज करती है, बट एंजल ब्रोकिंग में आपको ये रिसर्च एंड स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते रहेंगे जो आपकी आपको हेल्प कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए। एंड मैं दोनों ही ऐप्स का डाउनलोड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल रहा हूं, तो अगर आप इनमें से कोई भी ऐप यूज करने की सोच रहे हैं तो मेरा लिंक यूज करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आप मेरे लिंक से ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट आप मुझे अपना ओपिनियन या सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।